आज के इस कार्यक्रम में आप सभी को मेरा सादर अभिनंदन। वेबएक्स के माध्यम से जुड़ी आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह अध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स कावा, आज के कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती स्मिता अग्रवाल जोनल हेड सेंट्रल जोन कावा की सभी सम्मानित सीईसी सदस्याएं, सभी रीजनल कावा हेड्स, वेबएक्स से जुड़े सीआरपीएफ के अधिकारीगण, आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल वाइस चांसलर संबलपुर यूनिवर्सिटी तथा सभी कार्मिकों एवं उनके परिवारजनों का मैं युवराज कुमार उप कमांडेंट सह ज्वाइंट सेक्रेटरी कावा सीआरपीएफ हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। सीआरपीएफ परिवार कल्याण संस्था के वार्षिक गतिविधि कैलेंडर के तहत माह मार्च 2022 को चरित्र निर्माण कैरेक्टर बिल्डिंग विषय पर व्याख्यान श्रृंखला हेतु चयनित किया गया है। वार्षिक गतिविधि कैलेंडर की व्याख्यान श्रृंखला के सभी कार्यक्रमों को वर्चुअली आयोजित किया जा रहा है तथा सीआरपीएफ के कार्मिक व उनके परिवारजनों के लिए इस कार्यक्रम का लाइव प्रसारण सीआरपीएफ यूट्यूब चैनल एवं फेसबुक पर भी किया जा रहा है, जिसके लिंक आप सभी को रीजनल कावा हेड्स के थ्रू ऑलरेडी प्रसारित किए जा चुके हैं। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा प्रेसिडेंट सीआरपीएफ फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन श्रीमती संगीता सिंह से कि वो आज के इस कार्यक्रम के विषय पे अपना मंतव्य हम सभी से साझा करें। माननीय अध्यक्षा महोदया कावा। थैंक यू युवराज। नमस्कार। प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल आज के कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता, कावा की सभी सीईसी मेंबर्स, ऑनलाइन माध्यम से जुड़े कावा परिवार के सभी सदस्यों, अधिकारीगण एवं सभी कार्मिकों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज हम कावा के वार्षिक गतिविधियों के कैलेंडर के 7th टॉपिक चरित्र निर्माण विषय पर व्याख्यान श्रृंखला का आयोजन वेबिनार के माध्यम से कर रहे हैं। मनुष्य के व्यक्तित्व की सबसे मजबूत पूंजी चरित्र ही है, जिसको निरंतर बनाए रखने पर अपना और अपने परिवार की ही भलाई है। अच्छे चरित्र के विकास के लिए अनुशासन और नैतिकता का अभ्यास जरूरी है, क्योंकि यह एक व्यक्ति को अच्छे और बुरे के बीच का भेद सिखाता है। जिस प्रकार अनुशासन से उच्च चरित्र का निर्माण होता है, उसी प्रकार उच्च नैतिकता का व्यक्ति हमेशा सच्चाई और न्याय करता है। चरित्र निर्माण एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए किसी व्यक्ति का एक ही दिन में निर्मित चरित्र संभव नहीं है। एक गुण को दूसरे में जोड़कर इसका निर्माण किया जाना चाहिए। एक सकारात्मक सोच मतलब पॉजिटिविटी, नियमित व्यस्त जीवन दैट इज एंड परिवार के घर का वातावरण बच्चों के चरित्र निर्माण पर असर डालता है तथा कब कैसे और किस प्रकार से बच्चों में अच्छे गुणों का विकास किया जाए और उन्हें एक सफल और चरित्रवान व्यक्ति बनाया जाए। आज के इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए ग्रुप केंद्र संबलपुर से वेबिनार के माध्यम से जुड़े हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल। मुझे पूरी आशा है कि हम सभी इनके द्वारा दी गई जानकारियों से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। धन्यवाद मैम। इस विषय पे विभिन्न रीजनल कावा ने अलग अलग प्रोग्राम भी इस महीने आयोजित किए हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ झलकियां आपको अलग अलग सेंटर्स की दिखाऊं, जहां पे इस विषय से संदर्भित प्रोग्राम अलग अलग जगहों पे अलग अलग रीजनल कावा सेंटर्स पे कराए गए हैं। क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि जितने भी रीजनल कावा आज हमसे जुड़े हुए हैं, जो भी विषय कैलेंडर लेक्चर सीरीज के लिए दिए गए हैं, आप सबसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस महीने हर एक माह में जो पहले 2 या 3 वीक तक आप इस विषय पे कोई प्रोग्राम कोई सेमिनार अपने
इंस्टीट्यूट पे अपने संस्थान में इसको आयोजित करें, ताकि जब हम लेक्चर सीरीज फाइनली डायरेक्टरेट से जब यहाँ से प्रसारित करते हैं तो आप सबके द्वारा कंडक्ट किए हुए जो भी प्रोग्राम्स है उनकी झलकी हम सबको दिखा पाते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि सितंबर 2021 से ये नया कैलेंडर वर्ष शुरू हुआ था और जनवरी इस साल में जनवरी फरवरी के पश्चात मार्च महीने चरित्र निर्माण के विषय पे हम पहुंच चुके हैं। अप्रैल का महीना उक्त रक्तचाप सभी बीमारियों की जड़ ये विषय है। तो अब मैं चरित्र निर्माण विषय पे जो भी रीजनल कावा ने कंडक्ट कराए हैं प्रोग्राम उसमें से कुछ की, चूंकि ये संभव नहीं है कि सारे रीजनल कावा के फोटोग्राफ्स और वो उनके कंडक्ट द्वारा कराए गए प्रोग्राम को यहाँ से दिखाया सके, तो बारी बारी से मैं दिखाना चाहूंगा। रीजनल कावा थर्ड सिग्नल बटालियन उनके द्वारा इस विषय पे जो उनके स्तर पे की नोटिस स्पीकर हैं उनको इन्वाइट करके उन्होंने कराया है। 83 RF, नेक्स्ट 100 RF, 108 RF, 203 कोबरा, CTC कोयम्बटूर, ग्रुप सेंटर जालंधर, ग्रुप सेंटर मुजफ्फरपुर, ग्रुप सेंटर नागपुर, ग्रुप सेंटर रंगारेड्डी, ग्रुप सेंटर सोनीपत, RTC पेरिंगोम और इसके अलावा भी कई संस्थाएं जैसे GC सिलचर और भी लिस्ट है हमारे पास। लेकिन समयबद्ध समय पर अगर हमारे पास आपके द्वारा कराए गए प्रोग्राम के अगर कॉपी हमें नहीं मिल पाती है तो उसको प्रेजेंटेशन फॉर्म में देना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसी के माध्यम से मैं दोबारा आपसे सबसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आगे के जो भी विषय हैं उस पर जो भी सेमिनार आप आयोजित कराते रहे हैं या कराएंगे उसका समय से हमें आप अपनी प्रस्तुति के जो भी आपके फोटोग्राफ्स हैं या वीडियोस हैं वो हमें कावा के मेल आईडी पर शेयर कर दिया करें। सो अब मैं चरित्र निर्माण विषय पर जानकारी देने के लिए कार्यक्रम के मुख्य व्याख्याता डॉक्टर संजीव मित्तल हमारे बीच मौजूद हैं जो कि संबलपुर में मौजूद हैं हमारे बीच। तो बिना देर के हुए मैं अनुरोध करना चाहूंगा आज के कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती अंजना यादव, पत्नी श्री लालचंद यादव, उप महानिरीक्षक समूह केंद्र संबलपुर से कि वो मुख्य वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल का संक्षिप्त परिचय वेबिनार के माध्यम से जुड़े सभी माननीय सदस्यों एवं कार्मिकों से करवाएं, साथ ही आज के महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार रखने के लिए उनसे आग्रह भी करें। ओवर टू GC संबलपुर। थैंक यू मिस्टर युवराज। नमस्कार। आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह मैम, अध्यक्षा कावा, कावा के सभी जोनल हेड्स, सभी सेक्टर हेड्स, सभी CEC मेंबर्स, सभी रीजनल कावा हेड और इस वेबिनार के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों का मैं अंजना यादव हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करती हूं। कावा के वार्षिक कैलेंडर के अनुसार आज के वेबिनार का विषय है चरित्र निर्माण। प्राचीन काल से ही हमारा देश उच्च चरित्र का उपासक रहा है। मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी पूंजी चरित्र ही है। आज के परिवेश में चरित्र निर्माण एक ऐसा महत्वपूर्ण विषय है जिस पर विस्तार से चर्चा और चिंतन हम सभी के लिए बहुत जरूरी है। अक्सर माता पिता अपने बच्चों के भविष्य के बारे में तो चिंता रखते हैं किंतु जीवन की आपाधापी और अनभिज्ञता के कारण वे उनके चरित्र निर्माण पर पर्याप्त ध्यान नहीं दे पाते। नतीजतन हमारे समाज के युवा काबिल और आत्मनिर्भर बनने के बावजूद भी कभी कभी अपने परिवार व समाज के प्रति उतने जिम्मेदार नहीं हो पाते जितनी की उनसे अपेक्षा की जाती है। यही कारण है कि सभी को चरित्र निर्माण जैसे अहम मुद्दे पर खुलकर विचार विमर्श करना चाहिए तथा बेहतर से बेहतर नीतियां अपनाते हुए अपनी नई पीढ़ियों को चरित्रवान बनाना चाहिए। बलवान या धनवान व्यक्ति नाम कमा सकता है, शोहरत कमा सकता है, लेकिन लोगों की नजरों में इज्जत और सम्मान कमाने के लिए अच्छे चरित्र का होना सबसे ज्यादा जरूरी है। चरित्रवान नागरिकों से ही एक अच्छे समाज का निर्माण होता है और अच्छे समाज से ही एक श्रेष्ठ व समृद्ध राष्ट्र बनता है। इस विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ यहाँ उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल। आप वर्तमान में संबलपुर विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर कार्यरत हैं।
आप ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं। आप एजुकेशन एंड रिसर्च के क्षेत्र में 40 वर्षों से भी अधिक समय का अनुभव रखते हैं। वर्ष 2021 में संबलपुर विश्वविद्यालय की बागडोर संभालने से पहले डॉक्टर मित्तल कई महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत रहते हुए हमारी नई पीढ़ियों का जीवन संवारते आए हैं। अपने कैरियर के शुरुआती दौर में आप महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक में डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज के प्रमुख रहे। इसके बाद आप लंबे समय तक गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय नई दिल्ली में डीन तथा डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहे। अब मैं इस कार्यक्रम के अतिथि वक्ता प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल का अभिनंदन करती हूं और उनसे चरित्र निर्माण विषय पर अपने विचार हम सभी से साझा करने का अनुरोध करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद। जय सीआरपीएफ। थैंक यू मैडम। धन्यवाद आपका और जितने भी गणमान्य व्यक्ति जो आज जुड़े हैं, मैं उन सभी का अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद देता हूं कि आप सब लोगों ने मुझ में कुछ गुण देखे जिसकी वजह से आज आपने मुझे यहां पे बुलाया है एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए, जो विषय है चरित्र निर्माण, कैरेक्टर बिल्डिंग। और जैसा सभी वक्ताओं ने अभी बोला है मेरे सामने कि अगर हम देश का विकास चाहते हैं, एक सॉलिड फाउंडेशन चाहते हैं, तो हमें चरित्र निर्माण के ऊपर कुछ ध्यान देना होगा। तो मेरी जो प्रेजेंटेशन है, जो मेरा आज का जो वो रहेगा, वो इस तरह से रहेगा कि चरित्र क्या है, चरित्रवान व्यक्ति के लक्षण क्या हैं, चरित्र निर्माण किन किन स्तर होता है और चरित्र निर्माण का महत्व क्या है, इन दिशाओं के अंदर मैं बात करते हुए इस चीजों के ऊपर रोशनी डालूंगा और ये बताऊंगा कि अगर हमें चरित्र का निर्माण करना है तो वो कैसे निर्माण हो सकता है। तो अगर हम बात करते हैं कि चरित्र क्या है, तो हम ये कहेंगे मॉरल वैल्यूज हैं और ये हमारी प्रवृत्तियां का योग होता है, अर्थात हमारी जिज्ञासा, सोच, मंशा, चाह, इच्छा, विचार, आचार, व्यवहार, चाल चलन, सब चीजों के ऊपर जितने भी हमारे अंदर गुण हैं, इन सब चीजों के ऊपर ये निर्भर करता है। और ये कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। तो सबसे पहला जो मैं एक लेसन सबके लिए रखूंगा कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, जितने हमारे परिवार हैं, जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, मैं उन सबसे आग्रह करूंगा कि अगर आपकी संगत अच्छी होगी तो आचार विचार अच्छे होंगे, चाल चलन अच्छा होगा तो आपके विचार भी अच्छे होंगे। इसी तरह से मैं आगे बढ़ते हुए ये बताऊंगा कि चरित्रवान के गुण महान क्या होते हैं। ईमानदार होना एक अपने आप में बहुत बड़ा गुण है, शिष्ट के साथ साथ सभ्य होना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर हम बात करते हैं तो कर्मठ, साहसी, बहुत सारे इस तरह के जो गुण हैं, विश्वसनीय, न्यायप्रिय, निपक्ष, उदार, विनम्र, ये दयालु, ये सारे जो गुण हैं, ये हम देखते हैं उन सब व्यक्तियों में होते हैं जो चरित्रवान होते हैं। और इन सब चीजों को अगर हम अपने अंदर भर लेते हैं तो शायद हम अपने आप को इस देश के लिए एक बहुत ही अच्छा एक इंसान बना सकते हैं और अच्छे इंसान के साथ साथ हम एक अच्छी सोसाइटी बना सकते हैं। और मैं ये देखता हूं कि जो हमारे सीआरपीएफ के जवान हैं, जब वो बाहर चले जाते हैं और आगे लड़ाई के मैदान में होते हैं तो पीछे उनके जो बच्चे रह जाते हैं, जो हमारी बहनें पीछे रह जाती हैं, शायद सारा दारोदार उनके ऊपर रह जाता है कि किस तरह से ये सारे गुण वो अपने बच्चों के अंदर पैदा करें। और इसी तरह से अगर हम आगे मूव करते हैं तो हम ये देखेंगे कि चरित्र का निर्माण जो है वो स्टेप बाय स्टेप होता है, स्तर बाय स्तर होता है। और सबसे पहला स्तर जो है अगर हम देखते हैं वो घर परिवार है। तो जहां बच्चा जन्म लेता है, जिस तरह के संस्कार उसको मिलते हैं, जिस तरह से परवरिश उसकी होती है, जिस तरह की भाषा उसको सिखाई जाती है, जिस तरह के गुणों को उसको बताया जाता है, शायद बच्चा उसी तरह से उनको सीखता है। अगर हम कभी देखें तो हमें बड़ी अचंभा होगा कि माँ जब बच्चे को जन्म देने के बाद उसको बड़ा करती है और वो चलाने की कोशिश करती है तो बच्चे की उंगली पकड़ती है और उंगली पकड़ के उसको छोड़ देती है। बच्चा गिरता पड़ता हुआ कब चलने लग जाता है किसी को मालूम नहीं पड़ता है। तो इसका मतलब क्या है कि माँ का रोल सबसे इम्पोर्टेंट है हमारे परिवार के अंदर। और जिस तरह से माँ अपने बच्चे को सिखाती है उसी तरह से बच्चा सीखता है। अगर माँ उसको कहती है अच्छा खाना खाना है तो उसी तरह से वो खाएगा, जिस तरह से पहनने को कहती है उसी तरह से पहनेगा। शायद बाप का रोल इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू मदर का। तो इसीलिए मैं जितनी भी बहनें मुझे सुन रही हैं, मैं उनको यही शिक्षा देने की कोशिश करूंगा
कि वो जिस तरह से चाहेंगे वो अपने बच्चे को मोल्ड कर सकते हैं, उसी तरह से उनको ढाल सकते हैं, और अगर अच्छी परवरिश देंगे तो वो अच्छे बनेंगे। और उसके बाद जो सेकंड स्टेप होता है, सेकंड स्तर है, वो हमारा शिक्षक संस्थान है, जिसके अंदर जब बच्चा जाता है, चाहे वो स्कूल है, चाहे वो कॉलेज है, चाहे वो यूनिवर्सिटी है, बहुत कुछ उसको सीखने को मिलता है, और वहां माहौल बदल जाता है। घर के माहौल से जब वो बाहर आता है और शिक्षा के अंदर चला जाता है, तो यहाँ भी एक बड़ी अच्छी कहावत है जो मैं सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा कि जो शिक्षक है वो कुम्हार के समान है। तो गुरु शिष्य, अगर हम बात करते हैं, जो हमारे जो शिष्य हैं वो गुरु के जब उसके कंट्रोल में आते हैं तो वो उस तरह से काम करते हैं जिस तरह से गुरु उनको सिखाना चाहता है। तो इसके ऊपर हम यही कहेंगे, कबीरदास जी का एक दोहा है, और उस दोहे के माध्यम से अगर हम समझें तो ये हमें समझ में आएगा कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी गाढ़े खोट। कि वो क्या है, अपने शिष्य के जितने भी अवगुण होते हैं उनको निकालता है, अंदर बाहर सहार दे। जिस तरह से कुम्हार अपने हाथ के जरिए जो है वो बर्तन को जो है मोल्ड करता है, इसी तरह से शिक्षक जो है वो अपने अपने जो शिष्य होता है उसको मोल्ड करता है, और उसी तरह से वो क्या है उसको समाज में जीने के लिए एक अच्छा व्यक्ति बनाता है। इसके अलावा अगर हम अगले स्तर की बात करें तो वो हमारा समाज है, वो हमारे मित्र हैं, कैसी हमारी कंपनी है, उसके ऊपर हमारा जो है चरित्र निर्माण काफी हद तक निर्भर करता है। और लास्ट में अगर हम बात करें तो जो लास्ट स्टेप है वो हमारा अपना इंट्रोस्पेक्शन है, जिसको हम आत्म विश्लेषण बोलते हैं, और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। ऐसा कोई इंसान मैंने नहीं देखा जीवन के अंदर जो गलतियां नहीं करता। गलतियां करना कोई पाप नहीं है, बट गलतियां करने के बाद उनको समझना कि किस कारण से गलती हुई, वो ना उसका विश्लेषण करना, ये अपने आप में बहुत बड़ा पाप है। इसलिए मैं सभी सुनने वालों को और सभी जो मुझे देख पा रहे हैं, मैं उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना जो भी आप कार्य करते हैं दिन भर, शाम को 10-15 मिनट जरूर निकालें, और उस वक्त जो है आंखें बंद करके आप आत्म विश्लेषण करें और ये देखें क्या कमियां रही जिसकी वजह से मेरा समय व्यर्थ हुआ, या क्या कमियां मेरी वजह से हुई जिसकी वजह से मैं जो कार्य करना चाहता था वो नहीं कर पाया। और ऐसा करने से आप क्या देखेंगे, अपने अंदर बहुत सारा बदलाव देखेंगे। मैंने ऐसा खुद अपने साथ एक्सपेरिमेंट करते हुए देखा है, और मैंने कई बार सोचा कि हमारे घर में झगड़े क्यों होते हैं, तो उसका कारण मैंने देखा कि मेरी पत्नी है। बट बाद में जब मैंने अपने आप को आंखें बंद करके अपने को कमरे में बंद कर लिया और अपनी आंखों को बंद करके जब इंट्रोस्पेक्शन किया तो मुझे अंदर से आवाज आई कि तुम्हें बदलना होगा बजाय कि किसी और को बदले। तो कहने का मतलब ये है कि मैं जब ये सोचता हूं कि मैं सबसे अच्छा इंसान हूं, शायद मैं गलत हूं, क्योंकि जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर वो सारे गुण हैं जो मुझे जो है एक अच्छा इंसान बना सकते हैं। तो आत्म विश्लेषण जो हम करते हैं ये हमारे लिए बड़ा अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। चरित्र निर्माता में माता पिता, अभिभावक और परिवार के सदस्यों का सबसे पहला और सबसे बड़ा महत्वपूर्ण और अंतहीन योगदान होता है। ऐसा कहा गया है, करना है तो अभी करो, फिर न पड़े पछताओ, बोए जो पेड़ बबूल के आम कहां से खाए। तो कहने का मतलब ये है कि अच्छी संगत में रहेंगे तो अच्छे बनेंगे, और माँ बाप जैसे हमें सिखाते हैं वो हमारे लिए बहुत अच्छा है, और उन्हीं के संस्कार को हम लेके आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से माँ बाप करते हैं घर के अंदर, बच्चे उसको जरूर देखते हैं। तो मेरी यही अपील है जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं कि अगर हम माँ बाप हैं तो हमें अपने बच्चों के सामने कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, और जो भी शिक्षा दें वो ऐसी शिक्षा दें जो समाज को आगे लेके चले, देश को आगे लेके चले, तभी हम अपने चरित्र का एक अच्छा एक निर्माण कर सकते हैं और चरित्रवान बन सकते हैं। ये देखिए एक और, ये आपको स्लाइड के अंदर दिखेगा कि चरित्र निर्माण की पहली सीढ़ी बचपन की सिखलाई है, और बचपन के अंदर जिस तरह से हमें बताया जाता है, आप देखते होंगे कि बचपन ये कहा जाता है कि गुरु जो है वो भगवान का रूप है। किसी ने ये पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो उसको जवाब मिला कि जहां गुरु होंगे वहीं भगवान होंगे, जहां माता पिता होंगे वहीं भगवान होंगे। यही एक सिखलाई है, और जिन लोगों ने इस चीज को सीख लिया, मुझे ऐसा लगता है कि वो वृद्ध अवस्था में जब उनके माँ बाप पहुंच जाते हैं तो उनकी पूरी तरह से देखभाल करते हैं, और उनके जो भी दुख हैं उनको वो कम करने की कोशिश करते हैं। मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारे यहाँ एक आदमी काम करता था और वो छुट्टी लेके चला गया, और वो छुट्टी लेके जब चला गया तो वो 2-3 दिन की उसने एक्सटेंशन कर ली, छुट्टी बढ़ा दी उसने। हमने उसे पूछा छुट्टी क्यों बढ़ा दी, उसने कहा कि सर मैं आया हुआ था यहाँ पे और मेरी माँ की जो है आंखें बननी थी, तो मैंने सोचा मैं घर में तो आया हूँ क्यों ना अपनी माँ की आंखें बना दूं। तो यही एक हमारे अच्छे गुण है जो हमारे को चित्रवान बनाते हैं, और हम अगर अपने जो बड़े हैं बुजुर्ग हैं अगर हम उनकी पूरी तरह से इज्जत करें, शायद यही एक चरित्रवान व्यक्ति का
एक बहुत बड़ा गुण है। और बचपन की सिखलाई अगर हम अच्छी तरह से करेंगे, इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि अपने अंदर एक आत्मविश्वास होना चाहिए, सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए, और वो सेल्फ कंट्रोल उन्हीं लोगों के अंदर होता है जिनको बचपन से ही अच्छी अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। मुझे आज भी याद है जब हम हॉस्टल में पढ़ने के लिए गए, हमें किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आई, क्योंकि हमारे माँ बाप ने हर वक्त हमें एक ही बात समझाई कि बेटा कितने भी बड़े बन जाओ अपने काम खुद करना, वो बिस्तर से लेके जूतों की सफाई या जो भी काम हुआ करता था हम खुद ही किया करते थे। और इस वजह से जब हम हॉस्टल में गए या जब मेरी शादी हो गई तो मुझे कभी किसी तरह की कोई कठिनाई नहीं आई, क्योंकि मैंने देखा कि सारे काम मैं कर सकता हूं। और यही एक चरित्रवान व्यक्ति के एक लक्षण है, गुण है। इसीलिए मेरे जितने भी सुनने वाले भाई बहन हैं, जो भी परिवार मुझे सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहने की कोशिश करूंगा कि अगर हम अपने बच्चों को अच्छी सोच के लिए मजबूर करेंगे तो वो अच्छे मनुष्य बनेंगे, और अच्छे मनुष्य बनेंगे तो हमारा समाज अच्छा बनेगा, और समाज अच्छा बनेगा तो देश हमारा अच्छा बनेगा, और देश अच्छा बनेगा तो आप समझ सकते हैं कि जितनी भी यहाँ कुरूतियां हैं हमारे समाज के अंदर, वो सारी कुरूतियां खत्म हो जाएंगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आगे मूव करता हूं। और अगर हम आगे देखें तो आप ये देखेंगे कि हम जो भी हमारे संस्कार हैं वो हमारे आगे तक चलते हैं। आप देख रहे हैं कि एक लड़का है जो अपने गुरु के जो है चरण पकड़ रहा है, और अगर ये इस तरह से कर रहा है तो झुकना कोई बुरी बात नहीं है। फलदार वृक्ष जो होता है वो हर वक्त झुकता है, बट जो वृक्ष जिसमें फल नहीं लगता वो कभी झुकता नहीं, वो सीधा खड़ा रहता है, और जो पेड़ सीधा खड़ा रहता है सबसे पहले लोग उसी को काटते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लंबे अरसे के लिए आप समाज में रहें तो आप अपने बड़ों का, अपने माता पिता का, अपने गुरुओं का आदर करें, और उनके उनके चरणों में ही आप देखेंगे कि आपका कल्याण है। अगर इस तरह से अगर आप रखेंगे, अगर इस तरह से आपकी नींव रखी जाएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अच्छे व्यक्तित्व और व्यक्तित्व के साथ इस समाज के अंदर कोई अच्छा कर पाएंगे। और शिक्षा प्राप्ति से भी पहले मनुष्य जीवन में आ जाते हैं, जिसका सीधा स्रोत माता पिता व परिवार होते हैं। तो शायद मैंने यहाँ पे कुछ बात करने की कोशिश की कि क्या क्या स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके अपने अंदर जितनी भी हमारे गुण हैं जो इम्पोर्टेंट है चरित्र को बनाने के लिए, वो हम अपने अंदर इनकलकेट कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं, और इसी तरह से हम जो है चरित्रवान बन सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे भी आप देख रहे हैं क्लास चल रही है, एक अध्यापक क्लास में पढ़ा रहे हैं, तो हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शांति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। तो कहने का मतलब यह है कि हमारी शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो हमें स्वावलंबी बनाए। हमारे को जरूरी नहीं कि जॉब ही हम मांगे, हमें ऐसी भी शिक्षा चाहिए जिससे हम पढ़ लिख के अपने पैरों पर खुद खड़े हो सके। और ये वही कर सकता है जिस इंसान के अंदर सहनशीलता होती है, प्रिजर्वरेंस जिसको हम बोलते हैं, और वो जो है अपने आप को पूरी तरह से संपन्न कर देता है, संपूर्ण कर देता है किसको, अपने आप को, सोसाइटी को, या जो भी हमारे लोग हैं जिनसे हम कुछ सीख सकते हैं। तो ऐसे मनुष्य, ऐसे जो लोग होते हैं वो हर वक्त याद किए जाते हैं। चाहे हम एग्जाम्पल लें महात्मा गांधी जी का, चाहे हम एग्जाम्पल लें जवाहरलाल नेहरू जी का, और दूर क्यों जाते हैं अगर हम अपने जो हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर साहब हैं नरेंद्र मोदी जी, अगर उनका भी हम उदाहरण लें तो हमें आज देखने को मिलता है कि वो 16 घंटे काम करते हैं 24 घंटे के अंदर, इसके अलावा सिर्फ 8 घंटे जो हैं वो आराम करते हैं। अगर ये इस तरह के विचार अगर हमारे अंदर आ जाएं तो शायद कभी हमें किसी समय का अभाव नहीं नजर आएगा, और जो हम सोच रहे हैं करने के लिए समाज के अंदर शायद वो हम पूरा कर पाएंगे। तो आगे की तरफ अगर हम मूव करते हैं तो आप देखेंगे कि बहुत सारी हमारे यहाँ सामाजिक कुरूतियां हैं, और ये कुरूतियां भी किस वजह से हैं, इसी वजह से हैं कि हमारे विचार जो हैं, जो हमारे आचार हैं, वो सही नहीं है। तो अगर ये सारी कुरूतियां अगर हम दूर करना चाहते हैं तो हमें अपने अंदर एक चरित्रवान होने के जो भी लक्षण है वो हमारे अंदर पैदा करना पड़ेगा। और अगर आप देखते हैं कि पढ़ाई की वजह से, एजुकेशन की वजह से मैंने देखा है कि हमारा माइंड जो है ब्रॉड हो जाता है, हमारी सोच जो है बड़ी हो जाती है, और जो सोसाइटी के अंदर भेदभाव होता है लड़के लड़की का, वो सारे भेदभाव खत्म हो जाते हैं। आज मैं जब परिवार के अंदर लोगों से बात करता हूं तो वो कहते हैं हम बहुत खुश होंगे कि अगर भगवान हमें एक लड़की दे देगा। और एक वक्त ऐसा था जब लोग कहा करते थे एक लड़का जरूरी है इस जनरेशन को आगे चलाने के लिए, स्कूल को आगे चलाने के लिए, पर अब शायद लोगों के विचार बदल गए हैं और उनको लगने लगा है कि लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। जब इक्वल राइट्स हैं तो हमें ये जेंडर के अंदर भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ऐसा अगर हम ऐसी सोच रखेंगे तो हम क्या देखेंगे कि समाज हमारा आगे की तरफ बढ़ेगा, और जो भी हम कमियां
सोच सकते हैं वो सारी कमियां जो है हम समाज से दूर कर पाएंगे। इसी तरह से अगर आप देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे आपको सिचुएशन नजर आती हैं, ऐसे वाक्य नजर आते हैं जहां पे आप देखते हैं कि बेरोजगारी या किसी वजह से किसी की आमदनी ना होने की वजह से वो चोरी करने लग जाते हैं या कुछ ऐसा बुरा काम करते हैं जो समाज रिकग्नाइज नहीं करता, और ये वही लोग होते हैं जो चरित्रहीन होते हैं, राइट। तो मेरा ये सिर्फ कहना क्या है, जो भी मुझे सुन रहे हैं, परिवार जो मुझे सुन रहे हैं, बहनें जो मुझे सुन रही हैं, सीआरपीएफ के जवान जो मुझे सुन रहे हैं, कि चरित्र ही हमारे अंदर एक ऐसी शक्ति है जो हमें एक अच्छा इंसान बना सकती है। तो हमें पूरी तरह से कोशिश करनी चाहिए कि किस तरह से हम चरित्रवान बन सकें। हम किसी भी पोस्ट पे हों, मैं ऐसा बोलता हूं किसी भी ओहदे पे हों, सबसे पहले हमें ह्यूमन बीइंग बनना है, हमें इंसान बनना है। अगर रोड के ऊपर मैं देखता हूं कोई एक्सीडेंट हो गया है और मैं कहने को ये कह सकता हूं मैं वाइस चांसलर हूं, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए कि उस एक्सीडेंट को मैं छोड़ के आगे बढ़ जाऊं। मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी गाड़ी को वहीं रोकूं और जिसको जो मदद चाहिए मैं इमीडिएटली उसको मदद मुहिम कराऊं, ताकि मेरी वजह से अगर किसी की जान बच पाए। यही एक चरित्रता का एक बहुत बड़ा गुण है, और इस तरह से करके हम अपने आप को एक सभ्य समाज के अंदर एक सभ्य प्राणी घोषित कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम देखते हैं महिलाओं के प्रति कोई भी शोषण हो रहा है तो हमें उस शोषण को रोकना होगा, और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो शायद हम अपने आप को एक चरित्रवान, एक गुणवानी, एक व्यक्ति कहला पाएंगे। और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर हम मनुष्य हैं तो हम भेदभाव करें आदमी और औरत के अंदर। वक्त चला गया, हाथ के अंदर 5 उंगलियां हैं पर 5 उंगलियां बराबर नहीं है, पर 5 उंगलियों का क्या है, आज हमारे लिए जरूरत है। कोई भी एक उंगली अगर हमारी कट जाए तो आप देखिए हम बहुत सारे ऐसे काम है जो हम नहीं कर पाते। इसी तरह से अगर आज हम देखते हैं कि अगर मेल की ज्यादा जरूरत है तो इसी तरह से फीमेल की भी उतनी ही जरूरत है। तो ये दो एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, इसलिए हमें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आदमी है तो औरत की इज्जत करे, औरत है तो आदमी की इज्जत करे, और इसी तरह से अगर हम दोनों एक दूसरे की इज्जत करेंगे और बच्चों को सिखाएं कि वो माँ बाप की इज्जत करें, वो तभी कर पाएंगे जब वो माँ बाप बने हैं और उन्होंने भी इज्जत की है अपने माँ बाप की। अगर उन्होंने अपने माँ बाप की इज्जत नहीं की और आज वो अपने बच्चों से ही उम्मीद करेंगे कि वो हमारी रिस्पेक्ट करें, आज हमें आदर सत्कार दें, तो वो नहीं दे पाएंगे, क्योंकि उन्होंने देखा है कि उनके माँ बाप ने अपने दादा दादी के साथ क्या बुरा व्यवहार किया या नाना नानी के साथ क्या बुरा व्यवहार किया है। तो इन सब चीजों का हमें ध्यान रखना होगा अगर हम अपने आप को चरित्रवान कहने के लिए सोचते हैं। इसी तरह से आज देखते हैं कि सोशल मीडिया, इंटरनेट बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और कोई ऐसा बच्चा नहीं है जो सोशल मीडिया और इंटरनेट को यूज नहीं करता। इन सोशल मीडिया, इंटरनेट के फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं, और मैंने यही कहा, मनुष्य जो है बुरी बातें पहले सीखता है और अच्छी बातें बाद में सीखता है। बट मैं सभी सुनने वालों को ये आग्रह करूंगा कि अच्छी बातें सीखें, अच्छी बातें देखें, और अगर कोई बुराई भी देखते हैं तो उसको अच्छाई की नजर से देखें एज कम्पेयर टू बुराई की नजर से। ऐसा करने से हम अपने चरित्र को बहुत बलवान बना पाएंगे और अपने आप को एक चरित्रवान व्यक्ति बना पाएंगे। जो इंटरनेट के माध्यम से जो हमें बुरी चीजें दिखती हैं, बहुत सारे ऐसे नाटक हैं जिसके अंदर दिखाते हैं औरत जो है वो बड़ा नेगेटिव रोल प्ले करती है किसी भी तरह के रिश्तों में, शायद ये सब नाटक है, नौटंकी है, ऐसी चीजों को मन पे ना लगाएं, ऐसा मेरा सबको कहना है, ताकि उनको अगर हम एंटरटेनमेंट के पॉइंट से देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, बट अगर उसको अपने जीवन के अंदर उतार लेंगे तो वो हमारे लिए बुरा होगा, और चरित्रवान होते हुए भी हम चरित्रहीन की तरफ मूव कर जाएंगे। तो मेरी सब लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कोई भी सोशल मीडिया, कोई इंटरनेट, कोई टेलीविजन अगर आप देखते हैं, हर बुराई के अंदर एक अच्छाई ढूंढने की कोशिश करें। ऐसी प्रवृत्ति होने से, ऐसा पॉजिटिव माइंड होने से आप एक अच्छे इंसान और एक अच्छे समाज की जो है नींव रख पाएंगे। ये आत्म विश्लेषण, जो इंट्रोस्पेक्शन की मैंने बात की, कोई भी व्यक्ति जन्म जात महान या खास नहीं होता फ्रेंड्स, इंट्रोस्पेक्शन बहुत जरूरी होती है। मैंने जैसे कहा कि मैं अपनी औरत को बदल नहीं पाया, बट उनको बदलने के लिए मेरे को अंदर से आवाज है कि खुद को बदल दो। जिस दिन से मैं बदल गया, हमारे घर में जो वॉल्केनो होते थे, रोज झगड़े होते थे, वो खत्म हो गए। इसी तरह से अगर कोई हमारे अंदर हम देखते हैं कि कोई हमने गलत काम किया है, बट इंट्रोस्पेक्शन से हमें मालूम पड़ जाएगा, आत्मविश्लेषण से हमें मालूम पड़ जाएगा कि वो क्या गलती हमने की है, और अगर हम ऐसा करेंगे तो दिनों दिन हम क्या देखेंगे, अपने अंदर सुधार ले आएंगे, और उस सुधार से हम एक अच्छे इंसान बन जाएंगे, एक अच्छा व्यक्ति बन जाएंगे, जिससे क्या है एक अच्छे समाज की हम नींव रख पाएंगे। तो हमें डे ऑन डे बेसिस पे थोड़ा बहुत समय निकालना होगा।
ताकि उस दौरान हम जो है ऐसा कर पाएं और ये जान पाएं कि वो क्या काम थे जिनकी वजह से हमारा समय भी व्यर्थ गया और हम अच्छे इंसान भी नहीं बन पाए। बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हैं, अगर हम अपने इतिहास को देखें, अगर हम अपने उपनिषदों को देखें, जिसके अंदर बताया गया है चरित्र का महत्व इतना अधिक है कि चरित्र रूपी धन के समक्ष संसार की विभूतियां सुख सुविधाएं घुटने टेक देती हैं। इतिहास साक्षी है कि महाराणा प्रताप के चरित्र बल के आगे मामाशाह ने भी अपनी सारी संपत्ति न्यौछावर कर दी थी। तो अगर हम किसी भी व्यक्ति को, जिसको भी हम अपना आइडियल बना सकें, जिसको अपना ओपिनियन लीडर बना सकें, जिसने समाज के अंदर बदलाव लाया, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम भी अपने अंदर वो बदलाव ला पाएंगे। इसी तरह से अगर हम देखें तो अगली कहानी देखें तो उसमें आप देखेंगे चरित्र रूपी बल के आगे विश्व की बड़ी बड़ी शक्तियां को भी नमस्तक होना पड़ा है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही चिंतन था कि चरित्र बल ही कठिनाई रूपी पत्थर की दीवार में छेद कर सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है जो मैं यहां बताना चाहता हूं कि चरित्र बल ही कठिनाई रूपी पत्थर की दीवार में छेद कर सकता है। स्वयं विवेकानंद जी ने इसी बल से शिकागो की यात्रा में आने वाली समस्त बाधाओं पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण विश्व में भारतीय संस्कृति का उद्योग किया। चरित्र बल मनुष्य को तेजस्वी बनाता है। तो इसीलिए मेरे भाई और बहन जो भी मुझे सुन रहे हैं, जो मेरे CRPF के जवान और जो माताएं मुझे सुन पा रही हैं, मैं उनसे यही निवेदन करूंगा कि चरित्र ही एक ऐसी नींव है जो जिसको अगर हम अपने अंदर किसी तरह से चरित्रवान बन पाए तो मुझे ऐसा लगता है कि हम देश की सेवा भी कर पाएंगे और देश के प्रति अपना आभार भी व्यक्त कर पाएंगे। हम जो बोते हैं वही काटते हैं, ऐसा कहा था स्वामी दयानंद जी ने, और हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं, ये भी स्वामी दयानंद जी ने कहा। इसीलिए अगर हम अपने भाग्य के खुद ही निर्माता हैं तो हमें ऐसा भाग्य लिखना है जो बेसिकली चरित्रवान व्यक्ति वाला भाग्य हो, ना कि चरित्रहीन। जिस वक्त रावण जी को मारा गया राम जी के द्वारा और वो नीचे गिर गए और उनसे उनके मन में यही विचार आया कि मैं क्यों मर गया, मेरे पास सब कुछ था, मैं बहुत बलवान था, मेरे पास वरदान थे, मैं फिर भी क्यों मर गया, तो उनको अंदर से आवाज आई, उन्होंने कहा सिर्फ एक चीज नहीं थी मेरे पास और वो क्या, चरित्र नहीं था। तो कहने का मतलब घमंड अगर हम जिंदगी में करते हैं तो रावण जैसा जो आदमी ज्ञानी था उसका भी घमंड नहीं बचा। इसलिए जीवन में कभी घमंड नहीं करना, जब भी बनना एक अच्छा इंसान बनना, उस इंसान को कोई चाहकर भी गिरा नहीं सकता जो इंसान अपने असूलों पर चलता है। तो जो इंसान असूलों का होता है वही इंसान जो है वो एक लॉन्ग लाइफ, जिसकी समाज के अंदर एक पहचान होती है, जो समाज उसको हर वक्त क्या है उसके आगे घुटने टेकता है। और आप देखेंगे जितने भी हमारे बड़े बड़े व्यक्ति हुए हैं वो अपने व्यक्तित्व के अंदर उन्होंने चरित्र को इंपॉर्टेंस दी और इसी कारण से वो एक बड़े व्यक्ति बन पाए। एक अंत में मैं ये कहने की कोशिश करूंगा, जिस तरह के आपके एक्शंस होंगे उसी तरह की आपकी हैबिट्स होंगी, और जिस तरह की आप हैबिट्स बना देंगे वैसा ही आपका चरित्र कैरेक्टर बन जाएगा, और जैसा कैरेक्टर आपका होगा उसी तरह का आपका भाग्य होगा, उसी तरह की आपकी डेस्टिनी होगी। कहने का मतलब यह है एक चरित्रवान जो व्यक्ति होता है वो अपने लिए एक फ्यूचर, एक अपने लिए आगे का मार्ग पैदा कर लेता है। मैंने बहुत देखा है कि हमारे जो जवान होते हैं जिस वक्त वो रिटायर हो जाते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंट्री के अंदर उनको अपने यहाँ नौकरी देने के लिए तत्पर होता है। उसका सिर्फ एक ही कारण है, क्योंकि उनको मालूम है ये जितने भी हमारे जवान हैं, जितने भी हमारे फौजी हैं, जितने भी हमारे ऑफिसर्स हैं, सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक है, और वो क्या चीज है, इंटीग्रिटी है, कैरेक्टर है, जिसको हम नाम देते हैं चरित्र है। और इसी चरित्र की वजह से वो समाज के अंदर और सभी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उनकी क्या है, बहुत रिस्पेक्ट है, और उनको रिटायरमेंट के बाद भी उनको नौकरी दी जाती है। और इसी तरह से अगर हम देखें तो देखिए इसके थ्रू आपको ये नजर आएगा कि किसी की थोड़ी सी भी मदद करने का मतलब क्या होता है, कि वो आपके प्रति क्या है, भावुक हो जाएगा। और ये एक औरत दिखाई गई है जो बारिश आ रही है और वो कोशिश कर रही है कि सामने अगर बच्ची खड़ी है तो चाहे मैं गीली हो जाऊं बट मैं इस बच्ची की जो है किसी तरह से बारिश से रक्षा कर दूं। ऐसे भाव, ऐसे सद्भाव अगर हमारे अंदर पैदा हो जाएं तो शायद हम इस समाज को बहुत आगे ले जा सकते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम लूंगा, धन्यवाद दूंगा, और उम्मीद करता हूं कि जो मैंने कहा वो सब लोगों को समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा तो ये हमारे लिए आज हमें ये ऐसे मौके के ऊपर एक प्रण करना होगा, एक ओथ लेनी होगी। और ये ओथ क्या लेनी होगी कि जीवन में हम कुछ भी होंगे बट अपने अंदर ऐसे गुण को पैदा करेंगे कि एक
जो हमारा जो डिसिप्लिन सोसाइटी है उसमें हम अपने आप को चरित्रवान कहें बना सकें, ताकि हम जो है उस समाज में वो रिस्पेक्ट पा सकें जो हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। स्पीकर की प्रस्तुति के पश्चात अभी प्रश्नोत्तरी का सेशन है। मैं आग्रह करना चाहूंगा वेबिनार से जुड़े सभी सदस्यों से कि वे आज के विषय पे मुख्य वक्ता द्वारा दिए गए व्याख्यान तथा उनकी प्रस्तुति से संबंधित किसी भी तरह का कोई भी प्रश्न हो तो कृपया आप पूछें, किसी भी स्टेशन से कोई भी सवाल आज के विषय पे जो हमारे आज के मुख्य व्याख्याता से आप पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर एंड टू ऑल मेंबर्स ऑफ सीआरपीएफ। मैं जीसी रंगारेड्डी हैदराबाद से बात कर रही हूँ। सर मेरा एक क्वेश्चन है, जैसे कि हम यह पूछना चाहूंगी कि कुछ अच्छे बातें या विचार या संस्कार जो बचपन से डेवलप नहीं हो आ रहता है, तो क्या यह संभव है कि बड़े होने के बाद इन संस्कारों के विचार का अंग बना जा सके? हाँ बिल्कुल पॉसिबल है मैडम। ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने आपको कहा कि अलग अलग स्तर हैं, अलग अलग स्टेप्स हैं जिसके ऊपर हम सीखते रहते हैं। अगर हम अपने बच्चों को बचपन के अंदर परिवार के रूप में अगर हम उनको कोई अच्छे संस्कार नहीं दे पाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको आगे का जो माहौल दें वो पॉजिटिव दें। आप देखते हैं हर पेरेंट कोशिश करता है कि वो अच्छे से अच्छे स्कूल में बच्चे को डाले। क्यों ऐसी कोशिश करता है? अच्छे स्कूल का मतलब यही है जहां पे आचार विचार जो होंगे जो उसके दोस्त होंगे वो अच्छे होंगे, उनके विचार अच्छे होंगे। अगर कॉलेज अच्छा है, यूनिवर्सिटी अच्छी है, वहां पे जो भी एनवायरमेंट है वो अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने कहा जैसी संगत वैसी रंगत। तो लोगों के अंदर समय के बदलाव से उनके कैरेक्टर में भी बदलाव आता है। अच्छी चीज देखेंगे, अच्छे विचार रखेंगे तो उनके अंदर भी एक अच्छाई पैदा होगी। ऐसा कभी भी नहीं है, किसी भी चीज को सीखने की कोई उम्र नहीं होती और किसी भी चीज को अपने अंदर लाने के लिए कोई समय नहीं होता। मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सिगरेट पीते हैं और उन्हीं लोगों को मैंने सिगरेट पीते हुए छोड़ते हुए भी देखा है। तो ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है कि हम लोग कहते हैं कि समाज के अंदर हमें जो है शराब बाहर नहीं पीनी चाहिए, पर मैंने ऐसे भी परिवार देखे हैं जहां पे बाप और बेटा इकट्ठे बैठ के शराब पीते हैं। तो कहने का मतलब यह है शराब पीना बुरी बात नहीं है, बट शराब पीने के बाद कोई बुरा काम करना बुरी बात है। तो अगर हम कोई भी चीज लिमिट में रह के करें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई समय या कोई उम्र नहीं है अपने चरित्र के अंदर कोई भी चेंज लाने की। तो इसी आंसर के साथ मैं सभी लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि समय रहते हुए हमें बदलना होगा। मैंने इसीलिए कहा इंट्रोस्पेक्शन हमारे लिए बहुत जरूरी है। जैसे मैंने देखा कि हमारे घर में रोज लड़ाई हुआ करती थी, या मैं देखता था कि मेरे बच्चे मेरी क्लासेस में नहीं आते थे पढ़ने के लिए, तो मैंने बच्चों से एक दिन पूछ लिया आप मेरे क्लासेस में क्यों नहीं आते हैं? उन्होंने कहा सर कुछ नई बात तो बताते नहीं हो, वही किताबी बातें आप बताते हो, किताबी बातें तो हम किताब से भी पढ़ लेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देंगे तो आपकी भी क्लास में आएंगे। तो जिस दिन से मैंने ज्यादा से ज्यादा उदाहरण देना शुरू किया, थ्योरी को प्रैक्टिकल में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मैंने देखा वही स्टूडेंट्स जो थे वो मेरी क्लासेस में आने लग गए। तो स्टूडेंट ने मुझे एक शब्द दिया आईसीई। उन्होंने कहा सर आप ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन दो और ऐसे शब्दों में कहो, ऐसी तरह से कम्युनिकेशन करो ताकि हम उसको समझ पाए, और जो भी बात कहें एंटरटेनमेंट के रूप में कहें। सो इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड देन व्हाट, एंटरटेनमेंट। ये तीन शब्द जब उन्होंने मुझे बताए मैंने अपने अंदर बदलाव लाया और अब मैं ज्यादा से ज्यादा जो मैं टीचिंग करता हूँ इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए कर। धन्यवाद सर। और एक क्वेश्चन है, जैसे कि आपने बोला कि ये जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग कभी कभार एक एज आने के बाद भी छोड़ सकते हैं, जैसे कि 40 के बाद। कभी कभार ऐसा होता है सर कि जब तक उनके ऊपर हेल्थ पे असर ना हो तब तक कई लोग छोड़ते नहीं, जब तक उनको लगे ना कि मेरे हेल्थ पे बुरा असर हो, होने के बाद छोड़ते हैं लेकिन होने से पहले नहीं छोड़ते सर। तो मैडम इसके बारे में एक ही बात कहूंगा मैम
कोई भी चीज का नशा करना जरूरत से ज्यादा बुरा है और इसका जो असर है वो संगत पे बहुत पड़ता है। मैं आपको अपना उदाहरण देता हूं। मैं जब हॉस्टल में गया और एक एजुकेशन ले रहा था जिसको हम मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA बोलते हैं, तो 22 बच्चे थे हम आपस में और मेरे जितने भी दोस्त थे वो पीते थे। उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों नहीं पीते। मैंने कहा यार मैं भी पीऊंगा, मुझे कौन मना करता है, मेरे पेरेंट्स तो मुझे मना नहीं करते। तो उन्होंने मुझे जो है एक प्याला वो दिया शराब का, तो मैंने जैसे उसकी घूंट भरी मुझे बड़ी कड़वी लगी। मैंने कहा यार बहुत कड़वी है, मैं तो नहीं पीऊंगा। उन्होंने कहा दवाई समझ के पी जा। मैंने उसको दवाई समझ के भी पीने की कोशिश की बट मेरी अंदर आत्मा नहीं मानी, जिसकी वजह से मैं उसको कभी पी नहीं पाया। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि जरूरी नहीं कि उनको हेल्थ जो है उनको फोर्स करेगी, बट अगर हम अपने समाज के अंदर कुछ इस तरह की वीडियोज ऑडियोज अगर हम उन लोगों को दिखाएं कि देखिए कितने बुरा असर है किसका, शराब का आपकी हेल्थ पे कितना है, कैंसर हो सकता है, लंग कैंसर हो सकता है, तो मैं पूरी तरह से इस चीज पे विश्वास करता हूं कि ऐसी अवेयरनेस देने से उनके अंदर भी वो भावना पैदा होगी कि यार ये जो पैसा हम सिगरेट या शराब पे व्यर्थ करते हैं क्यों ना इसके बदले में मिठाई या कुछ कपड़े अपने बच्चों के लिए ले जाएं। क्योंकि हम समाज के अंदर ऐसी बातें कम करते हैं इसीलिए हम उनके अंदर ये शिक्षा पैदा नहीं कर पाते हैं। आज मैं देखता हूं कि जहां पे भी गवर्नमेंट ने एक सख्ती कर दी है और जो भी सिगरेट बेचने वाली दुकानें उनके ऊपर उन्होंने कंपल्शन कर दी है कि आप एक बोर्ड लगा दें 18 साल की उम्र से कम बच्चा जो है वो टबैको नहीं ले सकता। तो मैंने देखा इसका बहुत बड़ा असर पड़ा है हमारे समाज के ऊपर और धीरे धीरे जो हमारी समाज के अंदर बुराइयां थी वो धीरे धीरे कम हो रही हैं। तो मेरा ये कहना है शिक्षा, शिक्षक या जिनको हम बहुत प्यार करते हैं अपने जीवन के अंदर, अगर उनके थ्रू हमें किसी तरह से भी एक अवेयरनेस मिल जाए कि ये जितने भी सिगरेट है शराब है ये बुरी चीजें इनको ना पिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम बदलाव ला पाएंगे और बहुत हद तक हम अपने लोगों को इन चीजों से दूर रहने की शिक्षा दे पाएंगे। सर पॉइंट फ्रॉम जीसी नीमत सर। सर वेरी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। मेरा एक प्रश्न है सर आपसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम थैंकफुल टू यू फॉर योर थॉटफुल लेक्चर ऑन द करेक्टर बिल्डिंग। थैंक यू। और मेरा सर एक प्रश्न आपसे ये है कि हम इस तरह के कितने ही लेक्चर आयोजित करें लेकिन जब तक हमारी सोसाइटी में ऐसा वैल्यू बेस्ड और ऐसी तरह का जब एडिशन या एक सेटअप नहीं आएगा, हर माता पिता और स्कूल में टीचर्स सबका एक एम्बिशन ये है कि हमारा बच्चा अधिक से अधिक अंक लेके आए, सारा गोल फोकस उसके ऊपर है। अब इस गोल फोकस के कारण बच्चा ये सोचता है कि मैं येन केन प्रकार किसी भी तरीके से केवल मुझे सफलता प्राप्त करनी है। तो हमारा जब ये गोल सेट हो जाता है तो बच्चा सारे गुणों को भूल जाता है क्योंकि उसकी जो पहचान होगी समाज में, जो रिकॉग्नाइजेशन मिलेगा वो उसके करेक्टर के आधार पर नहीं मिलेगा। अभी हमारी सोसाइटी रिकॉग्नाइज किनको करती है कि किसी भी प्रकार से आप MLA बन जाइए, किसी भी प्रकार से आप बैकडोर एंट्री से करप्शन से डॉक्टर बन जाइए, इंजीनियर बन जाइए, कैसे भी चीटिंग करके पैसा दे करके ब्रीफ दे करके आप अच्छे अंक ले आइए। तो हमारी सोसाइटी में जो बच्चा ईमानदार है, जो सत्यवान है, उसको कोई रिकॉग्नाइज नहीं करता है। सारा हमारा समाज का जो मूल्यांकन का तरीका है वो केवल सफलता, अब सफलता कैसे भी आप प्राप्त करो, तो जब तक वहां परिवर्तन नहीं होगा हमारे ये लेक्चर किसी काम के नहीं है। हमको उस बच्चे को आगे आना पड़ेगा जो ईमानदार है, जो उसकी भी कई मार्किंग होना चाहिए। हमारी एजुकेशन पॉलिसी में प्रावधान जरूर किया गया है लेकिन अभी ये बहुत दूर की बात है। तो मेरा इस संदर्भ में प्रश्न है कि केवल लेक्चर से हम करेक्टर बिल्डिंग नहीं कर सकते। केवल मैं इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा सर। पहली बात तो ये है जो आपने कहा कि हमारे समाज के अंदर जो रिकग्निशन है सफलता है वो नंबरों से है या उसकी सफलता इंजीनियर या डॉक्टर बनने से है और वो किसी तरह से भी पैसे दे के इंजीनियर या डॉक्टर बनने की कोशिश करता है, तो मैं यहाँ पे आपको एक विश्वास दिलाने की कोशिश करूंगा कि हम लोग खुद माँ बाप हैं, हम लोग खुद बड़े हैं। ये हमें अपने अंदर एक इंट्रोस्पेक्शन करके देखना पड़ेगा कि हम अपने बच्चों को कितना समय दे पाते। समाज में जितनी बुराइयां हुई हैं
या जो बच्चे समाज के अंदर खराब हुए हैं वो वही बच्चे खराब हुए हैं जिनको अपने माँ बाप से समय नहीं मिलता। मैंने ऐसा ऐसा समय देखा है जब माँ बाप कहते हैं बेटा ऐसा है बेटी ऐसा है मेरे पास समय नहीं है और मेरे पास पैसा है, तू ये ले 10,000 रुपए की गाड़ी ले जा और जो तेरे को करना है कर, एंजॉय कर, पर देख हमारे पास समय नहीं है। अगर हम ऐसा करेंगे, अगर हम खुद प्रोत्साहन देंगे अपने बच्चों को ये गलत काम करने के लिए, तो वो गलत ही बनेंगे, गलत ही करेंगे। तो मेरा पहला तो यही सबको समझाना है कि हमें अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा समय देना है। अगर हम बच्चों को ये कह पाए कि हमारे बच्चों जो आप जीवन में करना चाहते हैं वो आप करें, हम नहीं चाहते कि आप डॉक्टर बने आप इंजीनियर बने, बट ऐसे भी माँ बाप बहुत कम है। अगर मैं इंजीनियर हूं तो मैं चाहूंगा कि मेरा बेटा भी इंजीनियर बने, मैं ऐसा क्यों चाहता हूं? इसका मतलब मेरे अंदर क्या है, मीननेस है। मैं चाहता हूं कि मेरा जो है इंजीनियरिंग का वंश जो है वो आगे बढ़े। मेरा बच्चा कहते नहीं पापा मैं तो जो है बीए करना चाहता हूं, आर्ट्स करना चाहता हूं और उसके बाद जो है मैं फौज में जाऊंगा। और हम ये देखते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स फौज का नाम सुनते हैं, वो कहते हैं बेटा मुझे मार दे, मुझे मेरा गला दबा दे, बट मैं तेरे से ये प्रार्थना करूंगा अगर तू फौज में चला गया तो मेरा मरा मुंह देखना। तो इसका मतलब हम खुद अपने बच्चों को इस तरह की गलत, जब हम उनके ऊपर अंकुश लगाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अच्छे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे। मैं सबको यही कहना चाहूंगा, बच्चा बड़ा हो जाए आपके कंधे के बराबर आ जाए तो उसको बच्चा ना समझ के उसको दोस्त समझना, समय देना, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसको समझना और उसके बेसिस के ऊपर आप देखना उसके अंदर कितना चेंज आएगा और कितने हद तक उसके अंदर एक जो अच्छे चरित्र के गुण होते हैं वो पैदा हो जाएगा। हम क्यों चाहते हैं अपने बच्चे को इंजीनियर या डॉक्टर बनाना? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। मेरे लड़के ने डॉक्टरी करने के बाद मुझे कहा कि पापा मैं बाहर जाना चाहता हूं। मैंने कहा बेटा बाहर क्यों जाना चाहता है? पैसे कमाने के लिए। मैंने कहा ये पैसा क्या अंत जो है वो पैसा ही है? उसने कहा नहीं पापा बहुत चमक दमक है, बहुत अच्छी लाइफ है, यहाँ क्या है गरीबी है चारों तरफ कुछ नहीं है, मैं बाहर ही जाऊंगा। मैंने उसको मोटिवेट किया, मैंने कहा बेटा बाद में भी तेरा है जो मेरा आज है और तू अगर चाहता है तो आज तू मेरे से अपने नाम करा ले बट तू बाहर ना जा। और उसको ये विश्वास हो गया कि इसका मतलब बाहर जाने का मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, तुम जो है सोशल फैब्रिक अपने खत्म कर दोगे, रिश्तेदारों से दूर हो जाओगे, माँ बाप से दूर हो जाओगे। और जैसा ही मैंने उसको समझाया, मैं कोई कंपल्शन नहीं रखी, मैंने कहा फिर भी डिसीजन आपका है, आप बाहर जाना चाहें चले जाएं पर फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा 2-4 साल के बाद वापस आ जाना। मेरे बच्चे ने मेरी बात को समझा और आज वो हिंदुस्तान के अंदर ही है, अपनी प्रैक्टिस कर रहा है और आज वो खुद बोलता है कि पापा आज आपने मुझे रोक लिया और सिर्फ इतनी बात कह के कि पैसे कमाने के लिए बाहर नहीं जाना तो मुझे समझ में आ गया अगर मेहनत करें तो हिंदुस्तान में भी पैसे की कमी नहीं। तो मेरा ये कहना है कि ये हम लोगों पे निर्भर करता है, दादा दादी नाना नानी माँ बाप हमारे जितने बुजुर्ग हैं वो किस तरह की शिक्षा हमें देते हैं। मैंने देखा हमारे पिताजी जब भी हम उनके पास बैठते थे तो रामायण या गीता या किसी ना किसी ऐसे ग्रंथ से कुछ अच्छी बातें सुनाया करते थे। उनकी उन बातों को सुनने के बाद हमें भी वो इच्छा पैदा हुई। शुरू से मैंने देखा उन्होंने मंगलवार का व्रत किया, हनुमान जी को उन्होंने माना, वही आदतें मेरे अंदर भी पैदा हो गई। मैं भी हनुमान जी को मानता हूं, मैं भी उनकी पूजा करता हूं बट मैं उनकी तरह से उतनी हद तक पूजा नहीं कर पाता, व्रत नहीं रख पाता, बट अंदर एक इच्छा है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। आज मैं देखता हूं मेरा लड़का जो है वो भी हनुमान जी को मानता है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी हमारे संस्कार हैं, एक जो हमारी पीढ़ी है उससे अगली पीढ़ी और उससे अगली पीढ़ी इसी तरह से ट्रांसफर होती है। बट समझना क्या है, कभी भी हम अपने बच्चों को अगर पैसों का मोल के बारे में ये बताएं कि पैसों के पीछे ना भागो तो शायद हम उनको एक चरित्रवान व्यक्ति बना सकते हैं। समाज में जितनी भी बुराइयां हैं, करप्शन है, सिर्फ एक ही वजह से, वो है मैटरलिज्म। हर इंसान आगे से आगे बढ़ के मेरे पास 2 गाड़ी है 4 गाड़ी है बड़ी गाड़ी है और बड़ी गाड़ी है, अरे अमिताभ बच्चन इतना बड़ा बन गया, अगर वो ये सब कुछ ले सकता है तो मैं भी उसकी चरणों में चलूंगा और मैं भी इतना इतना बड़ा आदमी बनूंगा। तो कहने का मतलब इंसान दो ही तरीके से मशहूर होता है, या तो चोरी डकैती करके मशहूर होता है या अच्छे काम करके। तो अगर हम अपने बच्चों को कहें जब भी मशहूरी लेनी है अपने अच्छे कर्म से लो, तो मुझे ऐसा लगता है ये जितनी समाज में बुराइयां हैं ये सब बुराइयां दूर हो जाएंगी। अगर मैं फादर होने के नाते करप्शन करूंगा तो मैं अपने बच्चे को कैसे उम्मीद कर सकता हूं वो करप्शन नहीं करेगा। तो कहने का मतलब वी एज व्हाट टीचर, हम खुद टीचर, हम खुद फादर मदर आर द एग्जांपल्स फॉर हुम, फॉर माय चिल्ड्रन। तो ऐसा मुझे ऐसा लगता है
बुराइयां तो होती ही हैं, बट अच्छाइयां भी हैं। देखना है, समझना है, चुनना है अच्छाइयों को या बुराइयों को, ऐसा हमें अपने बच्चों को समझाना हो। धन्यवाद। नमस्कार सर। कोई बात नहीं, पहले दीजिए ना, बाहर वाले को पहले पूछने दें। नमस्कार सर। कोई बात नहीं, पहले तो कोई बटालियन आ रहे हैं, कितनी बटालियन आ रहे हैं। नमस्कार सर। हाँ बोलिए, आपको सुनते हैं हम लोग। नमस्कार सर, मैं 83 आरएफ से सब इंस्पेक्टर ओमाराम। अच्छा, अभी सर ने एक बात बताई थी थोड़ी देर पहले कि किसी को मतलब चरित्र निर्माण के लिए अपने आप को बदलना ज्यादा जरूरी है, तो उसमें सर ने एग्जांपल भी दिए थे, जैसे कि हमारी पत्नी है उसके साथ हमारा मनमुटाव है या दोस्तों के बीच में हमारा मनमुटाव है, तो क्या है कि उनको बदलने से पहले हमें खुद को बदलना चाहिए कि आगे भविष्य में ऐसा ना हो। लेकिन एक चीज है, मैंने तो अपने आप को हमेशा बदला है, लेकिन अगले को भी अपने मेरे इमोशनल समझने चाहिए, जिसे कि थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग, हमेशा मैं ही बदलता हूं, क्यों ना मैं हमेशा बदलता ऐसे ही रहूंगा, लेकिन अगले को भी अपने मेरे इमोशनल समझने चाहिए। इसके बारे में सर आपका क्या कहना है? क्या है, क्या वो मुझे दोबारा रिपीट कर दिया जाएगा, क्योंकि इनकी आवाज मुझे क्लियर नहीं बनी। सर कैन दी क्वेश्चन, क्या हम सवाल को दोबारा सकते हैं? नहीं, आप कोई और दोहरा दे। मैं डीआईजी जीसी बिलासपुर से बोल रहा हूं। मैंने साफ साफ सुना है 83 के जो सब इंस्पेक्टर साहब ने बताया है, मैं उसको रिपीट करता हूं। उनका कहना है कि मैं हमेशा अपने को बदलता रहता हूं और दूसरे को भी मेरी भावनाओं की कद्र करना चाहिए, उसे भी बदलना चाहिए कि मैं हमेशा अपने को बदलता ही रहूंगा। ये उनका प्रश्न है आपसे। इस प्रश्न के जवाब के बाद में फिर मैं भी आपसे कुछ बातें करना चाहूंगा। धन्यवाद सर। प्रश्न नहीं समझ में आ रहा है, चाहूंगा हो सकता है कि डीआईजी सर की आवाज आप तक नहीं पहुंच रही होगी। मैं 83 बटालियन आरएफ से जो सब इंस्पेक्टर साहब ने सवाल किए हैं, उनका सवाल ये है कि जैसे आपका कहना है कि कैरेक्टर में अगर कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है, जैसे उन्होंने अपना एक एग्जाम्पल दिया कि सपोज का वाइफ के साथ कुछ प्रॉब्लम है, कुछ अंडरस्टैंडिंग गैप है, तो इसमें ये कहना कि सिर्फ मैं ही खुद को बार बार बदलूं तो सिर्फ मेरे बदलने से ही हमारा सामंजस्य नहीं बन पाएगा, ये अपेक्षा है कि सामने वाला भी बदले, तो ये क्या ये बदलाव एक ही आदमी से अपेक्षा की जाती है कि आप ही हमेशा बदलते रहें, ऐसा उनका सवाल है। जीसी संबलपुर, आपकी आवाज म्यूट है सर। जीसी संबलपुर। तो सर मेरी तो ऑन है माइक। हाँ, सर आवाज आ रही है? सर आवाज आ रही है? सर अभी आ रही है। ठीक है, तो मेरे को आपका सवाल समझ में आया है, और आपने जो कहा कि हर आदमी ये उम्मीद करता है कि सामने वाला बदले, बट मैंने ये कहा कि अगर परिवार है और आदमी औरत है, देखिए झगड़े तो होंगे, बट क्या है, ये एक गाड़ी के दो पहलू हैं, दो पहिए हैं, और इन दो पहियों की वजह से गाड़ी चलती है। एक भी पहिया अगर कमजोर हो जाएगा या पंचर हो जाएगा तो गाड़ी नहीं चलेगी। तो मेरा कहना है कि हमारे अंदर ईगो नहीं होनी चाहिए, और ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए ये काम सिर्फ औरत करेगी और ये काम सिर्फ आदमी करेगा। अगर हम हर काम को अपना काम समझेंगे और ये नहीं उसको ब्रांड करेंगे, ये नहीं उसको लिखेंगे ये औरत के लिए ये आदमी के लिए है, तो शायद हमारे अंदर एक जिसको क्या कहते हैं, एक पेशेंस आ जाएगा और हम खुद को बदल पाएंगे बजाय कि हम अपनी औरत को बदले। मैं यहाँ पे एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। हमारे यहाँ पे एक ऐसा एम्प्लॉय था जो रोज 5 मिनट लेट आता था, तो मैंने उसको बहुत समझाया कि यार तुम टाइम पे आया करो, और हमारे यहाँ ये रूल है कि अगर आप लेट आओगे तो हम रेड रिमार्क लगा देंगे, और रेड रिमार्क, 3 रेड रिमार्क के बाद आपकी एक तनख्वाह कट जाएगी। उसने कहा सर आप कुछ भी कर लो, मैं तो लेट ही आ पाऊंगा। तो मैंने एक दिन उसको बुलाया अपने पास, मैंने उससे पूछा कि यार तुम लेट आओगे तो उसका पीछे कोई कारण तो होगा, मुझे बताओगे? सर मैं आपको उस कारण को बता के क्या करूंगा, क्योंकि आपके पास उसका कोई समाधान नहीं होगा। मैं कहा नहीं यार, समाधान भी ढूंढेंगे, आप बताइए मुझे क्या कारण है। तो उसने कहा सर हम 3 लोग हैं हमारे घर के अंदर, मैं हूं, मेरी औरत है और एक मेरा छोटा बच्चा है, और मेरी औरत भी नौकरी करती है, वो स्कूल में 7:30 बजे चली जाती है, और उसके बाद वो बच्चा जो है वो घर में होता है,
मैं उसको नहा धो के तैयार करता हूँ और उसका टिफिन देता हूँ और उसको बस में छोड़ के आता हूँ। बस अगर टाइम पे आ जाती है तो मैं उसको टाइम पे छोड़ देता हूँ और उसके बाद जो मेरी चार्टर्ड बस है जो 8:30 आती है मैं उसको पकड़ के टाइम पे आ जाता हूँ। जिस दिन वो बस लेट हो जाती है मैं भी लेट हो जाता हूँ। तो मेरा दायित्व है मेरे बच्चे की तरफ, मेरी औरत की तरफ। मेरी औरत ने तो मुझे कह दिया कि तुम जानो तुम्हारा काम जाने, मैं तो नहीं अपने आप लेट करूंगी, तुम अगर चाहते हो तो तुम लेट हो सकते हो। तो मैंने कहा कि ठीक है, मेरी औरत तो बदलना नहीं चाहती तो मैं ही बदल लेता हूँ, तो मैं बच्चे को छोड़ के आता हूँ, इसलिए मैं लेट हो जाता हूँ। सर आप बताइए मेरी समस्या क्या क्या समाधान है। तो उस ऑफिसर ने कहा कि भैया आप ही बता दो क्या समाधान है। तो उसने कहा कि सुबह का समय मेरे पास मेरा नहीं है, क्योंकि वो समय मेरी औरत और मैं अपने बच्चे को देता हूँ, बट मैं माइंड नहीं करूंगा कि अगर आप मुझसे 1 घंटा शाम को मुझसे ज्यादा ले लें और 1 घंटा आप मेरा सुबह का समय जो है वो बढ़ा दें। तो देखिए कितना अच्छा एक सोल्यूशन निकल आया, कितना अच्छा एक प्रावधान बन गया कि ऑर्गेनाइजेशन ने उसका समय बदल दिया। उन्होंने कहा ये जो इम्प्लाई है 9 बजे की बजाय 10 बजे आएगा, बट 5:30 बजे जाने के बजाय 7 बजे जाएगा। 1 घंटा लेट आने की वजह से 1.5 घंटा उसका समय बढ़ा दिया। बड़ी खुशी खुशी उस इंसान ने उसको एक्सेप्ट कर लिया और आज आप देखिए वो पूरी तनख्वाह लेके जाता है, उसके घर में भी उसकी औरत उसका बच्चा सब कोई खुश है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि दूसरों को तोड़ने मरोड़ने की बजाय क्यों नहीं हम अपने आप को बदल दें। अगर हम अपने आप को बदल देंगे तो सामने वाला जरूर शर्मसार हो जाएगा और एक दिन जरूर वो भी अपने आप को बदलने की कोशिश करेगा। तो मेरा ये कहना है समाज के अंदर ये बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिनको हमें मिलजुल के ही उनको सॉल्व करना होगा, उनका कोई सोल्यूशन ढूंढना होगा। और अगर हम कुछ भी करने की मन में ठान लें तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी चीज मुश्किल नहीं। हमारे मैनेजमेंट में एक कहावत है कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। अगर आज आपको जरूरत किसी चीज की पड़ती है तो कुछ ना कुछ ऐसे कदम जरूर उठाओगे कि आप उसका सोल्यूशन ढूंढ लो। तो इन्हीं शब्दों के साथ मुझे लगता है जो हमारा सवाल था उसका मैं जवाब दे पाया हूं। तो कहने का मतलब यह है कि कभी मन में जिद ना रखें, पहले आप पहले आप पहले आप पहले आप। और इस पहले आप के अंदर क्या हुआ, महाराजा और जितने भी हमारे महाराणा लोग थे उनकी सबकी गाड़ी निकल गई, ऐसा कहा जाता है। इसलिए पहले आप कहने की बजाय पहले मैं, अगर मैं अपने अंदर बदलाव ले आऊं तो मुझे लगता है मैं समाज को बदल पाऊंगा और जो समाज की कमियां हैं उनको मैं दूर कर पाऊंगा। धन्यवाद। और कोई सवाल है तो पूछें सर। सवाल नहीं है। मैं जीसी बिलासपुर से बोल रहा हूँ, एलन मिश्रा। मेरा सवाल नहीं है आपसे सर, मैं जानकारी केवल ये लेना चाहता हूँ। बहुत आपने वैल्यूएबल लेक्चर लिया हुआ है और काफी अच्छे तरीके से बताया, बिल्कुल व्यवहारिक चीजें बताई हैं और हम सभी लोगों को इनको फॉलो करना चाहिए। और मैंने देखा कि अभी एक हमारे एक अधिकारी ने जो है वो बताया कि इसको लेक्चर से कोई इस तरह का फायदा नहीं होता है। मैं उस बारे में बोलना चाहूंगा, लेक्चर ना होने से तो कोई फायदा होने की गुंजाइश है नहीं बिल्कुल। और अगर इस तरह के लेक्चर हो और इस तरह से अवेयरनेस बढ़ाई जाए तो शायद कुछ गुंजाइश है कि थोड़ा बहुत सुधार हो सकता है। अदरवाइज जो है ये कह देना कि हम इस ऐसे लेक्चर से आज के जमाने में जो है पैसे से या करप्शन से या घूस दे करके डिग्री लेकर के इसकी वैल्यू होती है, मैं इससे थोड़ा सहमत नहीं हूं, क्योंकि हम स्वयं ही इस बात को नहीं मानते। हम मान रहे हैं कि ये घूस लेना जो है खराब बात है, लेकिन समाज में प्रिवेलेंट है, नहीं कम हो रहा है, वो अलग बात है उसकी, लेकिन हम मान रहे हैं कि ये खराब बात है। तो जो खराब बात है वो बात को तो चलने नहीं देना है, उसकी शुरुआत करनी पड़ेगी रोकने के लिए किसी न किसी जगह पर। तो हमें अपने पास से ही शुरुआत करनी पड़ेगी कि हम कम से कम अपने आप पहले चीजों को करें, कि हम अपने बच्चे को सिखाएं कि भाई नकल नहीं करना है और लोगों का बड़ों का सम्मान करना है, महिलाओं का बच्चों का जो भी थोड़ा सा कमजोर वर्ग है उन लोगों को थोड़ा मदद करो, हेल्प करने की कोशिश करो। बुजुर्ग को देखा तो गाड़ी में चढ़ा दिया बैठा दिया, सामान लेकर के जा रहा है, चलने की इच्छा हिम्मत नहीं है उस बुढ़िया के पास या किसी और पैसेंजर के पास, लेडी के पास, तो सीढ़ी पर चढ़ते हुए उसका सामान लेकर के रेलवे स्टेशन पर सीढ़ी से चढ़ा दिया, उसको पहुंचा दिया। यह सब चीजें तो हमको शुरू करनी पड़ेंगी और अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। तो आपने जो लेक्चर लिया, मैं इस चीज से मैं बहुत प्रभावित हूँ और बहुत अच्छा, इतने लोग उसको सुन रहे हैं तो शायद इसका लाभ जरूर मिलेगा और बल के लोग लाभान्वित होंगे और इसका लाभ उठाना चाहिए। इसके बजाय कि अगर हम उदासीन हो जाएंगे तो सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, ये बढ़ता चला जाएगी, बीमारी बढ़ती चली जाएगी।
लेकिन एक जगह मैं आपसे थोड़ा सा असहमत होता हूँ, जहां पर कि आप एक तरफ तो आप बताते हैं कि स्वतंत्रता लोगों को छोड़ना चाहिए और अपने आप लोग निर्णय करें, फिर आप अपने आप ही बता रहे हैं कि मैंने बोला कि आप जो है बाहर मत जाइए और आप अपने यहीं पर रह करके अपने बेटे को बताया कि यहीं पर रह करके करो, ये चीज नहीं होनी चाहिए। होना यह चाहिए कि आप उसको वैल्यू, चरित्र निर्माण जो है ये मूल्यों के ऊपर निर्धारित है। मूल्य क्या है? मूल्य वो सार्वभौमिक सर्वसुलभ और सर्व स्वीकार्य वो नियम है, नैतिक नियम है, नैतिक गुण है, जिनको कि समाज जो है वो स्वीकार करता है सामान्य तौर पर। वो परिस्थितियों में वो बदलते भी रहते हैं, परिस्थितियों में वो वैल्यूज बदलते रहते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सली सब जगह एक्सेप्टेबल है वही वैल्यू कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए काम में आता है। तो ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल है कि इंडिविजुअल, जैसे हम डॉक्टर बनाना चाहते हैं तो आप बोलेंगे कि आप चरित्र निर्माण ठीक नहीं कर रहे हैं अपने बच्चे का, और आप अपने बच्चे को बोलते हैं कि आप यहीं पर रह करके मेरे साथ में ही रहो और बाहर मत जाओ, चाहे कुछ भी मेरी पूरी प्रॉपर्टी भी ले लो, तो आप उसके बारे में सोचते हैं कि मैं चरित्र निर्माण कर रहा हूँ। दिस इज नॉट कैरेक्टर बिल्डिंग, ये चरित्र निर्माण है ही नहीं, चरित्र निर्माण से अलग की बात है ये। मैं पूरा कर लेता हूँ, एक मिनट में मैं पूरा कर, 10 सेकंड में पूरा करता हूँ। ये चरित्र निर्माण नहीं है, ये व्यक्तिगत आकांक्षाएं हैं, एक व्यक्ति की इच्छा है कि ऐसा होना चाहिए और वो सोचे कि, और जो मैं सोच रहा हूं, अक्सर क्या होता है चरित्र निर्माण में, एक चीज और भी गलत बात होती है, जो मैं सोच रहा हूं कर रहा हूं, मैं सोचता हूं कि वही सही है और वही मॉरल है, वही एथिक्स है, वही ऑनेस्टी है, वही, और जिस जगह पर मैं थोड़ा सा गड़बड़ करता रहता हूं मैं उसको जस्टिफाई कर लेता हूं किसी कारण से, अब क्या करें यार इस परिस्थिति में तो ऐसा करना ही पड़ेगा, अब ऐसा हो जाने पर इतना झूठ बोल देने में भी कोई हर्ज नहीं है, अगर रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है तो टीटी को 100 रुपए देने में भी कोई हर्ज नहीं है, दे करके टिकट ले लेना चाहिए और नहीं तो आपको चलना नहीं पड़ेगा। तो दीज आर नॉट द कैरेक्टर बिल्डिंग, दीज आर द कंप्रोमाइजेस व्हाट वी आर मेकिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग इज दिस कि हम ना तो हम देंगे और ना हम लेंगे, ये कैरेक्टर बिल्डिंग है, ये बात डाले। अब परिस्थिति आएगी तो क्या करेगा, ट्रेन से उतर करके तो जाएगा नहीं, हमको तो सरकारी ड्यूटी पर ज्वाइन करना पड़ेगा, और अगर मुझे कोई बता देगा टीटी भाई मैं आपसे 100 रुपए लेकर के आपको बर्थ दे दूंगा, तो मैं तो तुरंत 100 रुपए दे करके बर्थ ले लूंगा। मैं अब नैतिक बन करके वहां पर इधर से उधर, उधर सीट से उधर सीट पर बैठता हुआ बाथरूम में बैठ करके तो आऊंगा नहीं मैं चुपके से। तो ये मेरा एक जगह पर थोड़ा सा आपसे विभेद भी है, लेकिन आपका ओवरऑल लेक्चर जो है मैंने 90% लेक्चर, कुछ आवाज कहीं पर डिसरप्शन हुआ नहीं सुन पाया, नहीं तो 90% सुना। आई एम वेरी मच इम्प्रेस्ड विद दिस, थैंक्स अ लॉट फॉर डिलीवरिंग सच वैल्यूएबल लेक्चर। ये जो मैं अपनी भावना थी मैंने वो बात आपको एक्सप्रेस की। थैंक यू वेरी मच सर, धन्यवाद। बस मैं एक ही बात इसमें कहना चाहूंगा कि शायद जो मेरा कहने का तात्पर्य था वो मैं सही तरीके से नहीं बोल पाया। मैं, मेरा बच्चा मुझे कहने, जब मैंने उनसे पूछा कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हो, तो उसने कहा पैसा कमाने के लिए। उस पे मेरा सिर्फ एक ही उसको सुझाव था कि बेटा अगर मेहनत करोगे तो हिंदुस्तान में भी पैसे की कमी नहीं है, आप, हम दोनों कंधे से कंधा मिला के यही रहेंगे और यही आपस में क्या एक दूसरे की मदद करेंगे। एक मीननेस मेरे में जरूर थी, और वो मीननेस क्या थी कि मैं देख रहा था कि मैं बुढ़ापे की तरफ मूव कर रहा हूं, जो कि मैंने कभी व्यक्तित्व में कभी उसके सामने जाहिर नहीं की, और मैंने ये सोचा कि समाज के अंदर अगर वो मेरा सहारा बनेगा और मैं उसका सहारा बनूंगा तो शायद ऐसी शिक्षा देने से कल जब उसके भी बच्चे होंगे तो शायद ऐसे गुण वो अपने बच्चों में भी पैदा करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि मैं बहुत सारी कंट्रीज में मैंने मूव किया, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, मैंने हर देश में सिर्फ एक ही चीज देखी, अगर आपको गोरी चमड़ी और खाली सड़कें चाहिए और सफाई चाहिए तो फॉरेन कंट्री है, बट अगर आपको सोशल रिलेशन या आपको जिसको क्या बोलते हैं कंपनी चाहिए तो वो सिर्फ एक ही देश है, वो क्या देश है, भारत। आज भारत की महिलाओं को भी हर जो फॉरेन कंट्री का जो आदमी है वो मैरिज करना चाहता है, उसका कारण क्या है कि वो जो है दयावान है और वो क्या है अपने पति को परमेश्वर समझती है, और जब मैं बाहर गया और औरतों से मिला वो सिगरेट पी के मुझे कह रही हाउ आर यू सर, आई सेड यार एज ए वुमन यू आर स्मोकिंग एंड व्हाट अबाउट योर हस्बैंड, तो उसने कहा सर माय हस्बैंड आई मीट वंस अ ईयर, एक साल में एक बार उनकी मुलाकात होती है, और ऐसी औरत जो बिल्कुल अकेली रहेगी, ऐसा आदमी जो बिल्कुल अकेला रहेगा वो अल्टीमेटली क्या करेगा, आप सोचिए, वो तो अपने अंदर बुराइयां ही पैदा करेगा। तो इसीलिए थोड़ा सा शायद मैं पूरी तरह से नहीं बता पाया, बट कहने का मतलब यह है कि वी हैव टू बिकम एग्जांपल, और मैं समझ रहा हूं
आप कहना जा रहे थे जो बात वो मैं उसको वैल्यू को समझ रहा हूँ, बट आई वांटेड जस्ट टू कन्वे टू अदर्स आल्सो कि हमें किसी जगह पर भी जिद नहीं करनी चाहिए। ये हमारा करेक्टर ये है कि हमारी जो है दूसरों की इंडिविजुअलिटी को भी पूरा रिस्पेक्ट करना चाहिए और जिद नहीं। और ये एजुकेशन जो है मुझे बचपन से ऐसी देनी चाहिए अपने बच्चे को, वो अपने आप बिना मेरे बताए वो समझे कि मेरे पापा को जो है अभी बुढ़ापे में साथ रहने की जरूरत पड़ेगी और मैं रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू सर, थैंक यू। कोई और स्टेशन? एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनी स्टेशन? फ्रॉम डीसी सिलचर। ओके मैम, ग्रुप सेंटर सिलचर। नमस्कार सर, मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि सहनशीलता कैसे हम अपने आप में डेवलप करें, कैसे हम सहनशील ज्यादा बने। मैम मैंने एक ही बात कही इसके लिए कि आपके आपका रूटीन क्या है, जिस तरह का आपका रूटीन होगा उसी तरह से आप अपने अंदर उन गुण और अवगुणों को पैदा कर लेंगे। मैंने बहुत सारे देखा है, जिस तरह से जब महिलाएं नौकरी करने के लिए आ जाती हैं तो वो अच्छी आदतें भी सीख लेती हैं और बुरी आदतें भी सीख लेती हैं। बुरी आदतें क्या सीख लेती हैं, कंपनी हो जाती है और उन कंपनी के अंदर जब वो बातचीत होती है तो चुगली चाकी शुरू हो जाती है। मैंने आज अपने आदमी को ये कर दिया, मैंने अपने आदमी को इस तरह से ढेर कर दिया, आज मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी। तो मेरा इस तरफ ये कहना है कि अच्छे विचार अगर होंगे तो वो वर्किंग वुमन के भी होंगे और क्या होंगे, एक हाउसवाइफ के भी होंगे। एक हाउसवाइफ या एक औरत से पूछा गया शादी का क्या महत्व है, तो एक औरत ने जवाब दिया बंदिश है, बंदिश और सिर्फ बंदिश। शादी करके मैं बहुत पछता रही हूं क्योंकि सिर्फ मेरे को बंदिश नजर आती है और कुछ नहीं। और दूसरी औरत ने जवाब दिया कि शादी एक ऐसा एक अच्छा एक इंस्टीट्यूशन है कि मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूं, क्योंकि आज मैं देखती हूं कि मेरा आदमी है उसकी मुझे सेवा करनी है, मेरे बच्चे हैं उनको मैंने आगे बढ़ाना है और बहुत सारी समाज में अच्छी चीजें हैं जो मुझे करनी है। तो कहने का मेरा मतलब यह है, अगर हमारी सोच पॉजिटिव हो, हमारी कंपनी पॉजिटिव हो, हमारे थॉट्स पॉजिटिव हो, हम किसी भी कार्यक्रम को देख रहे हैं, आज हम टीवी भी देख रहे हैं और उसके अंदर हम कोई बुराई देख रहे हैं उसमें भी अगर हम अच्छाई ढूंढ लें, और हम जब भी किसी से बात करें तो किसी को क्रिटिसाइज ना करें, अच्छी किताबें पढ़ें, ऐसे लोगों से मिलें, मंदिर में जाएं, रोज सुबह पूजा करें। मैं आपको ये जितने भी स्टेप्स आपको बता रहा हूं, अगर आप ये कोई भी महिला अगर ये करेगी, कोई भी आदमी अगर ये करेगा, मुझे लगता है समाज में सिर्फ और सिर्फ अच्छाइयां होंगी, बुराइयां नहीं। किसी ने भगवान नहीं देखा, तो जब हमने देखा कि जब वो खत्म हो गई, कोई भी रामायण चल रही थी तो पंडित जी ने पूछा कि आपको क्या समझ में आया, कोई मुझे जवाब दे सकता है, भगवान कहाँ होंगे, भगवान कहाँ मिलेंगे, तो सब चुप। उन्होंने कहा पंडित जी महाराज जी आपके चरणों में ही भगवान है, हमारा तो कल्याण आप ही लोग करेंगे। पर पंडित जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही जो आज भी मुझे याद है, उन्होंने ये बात कही कि जहां भक्त होंगे वहीं भगवान। अगर भगवान को ढूंढना है तो वहां जाओ जहां भक्त हैं, और उन्हीं भक्तों के बीच में मिलेंगे कौन, भगवान। हमारी माता जी जो थी वो एक उम्र के बाद उन्होंने कोई भी पैसा लेना बंद कर दिया, और जब वो लास्ट स्टेजेस में थी तो उन्होंने हमें बुला के एक बात कही कि बेटा बस एक ही शिक्षा में देना चाहती हूं आपको अपनी जीवन की, कभी भी जब आपका हाथ उठे ऐसे ना उठे, जब भी हाथ उठे ऐसे उठे, आपके पास कुछ भी ना हो तो भी जो भी कुछ है वो दे देना, मददगार बनना। जिस दिन आप किसी की मदद करोगे मालूम नहीं उसकी कब आशीष आपको लग जाएगी। और मैंने बहुत ऐसे इंसिडेंट्स देखे हैं अपने साथ होते हुए मैडम, जिसके अंदर मैंने देखा जब से मैंने अपना हाथ ऐसे किया तब से मैंने देखा कितने बड़े से बड़े भी कठिनाइयां मेरे सामने आई, तो शायद मुझे कहीं ना कहीं उन कठिनाइयों का सोल्यूशन भी मिला। तो ऐसा मुझे लगता है कि सोच अच्छी रखने से, अच्छे विचार रखने से, बुराइयों में भी अच्छाइयां ढूंढने से शायद हम लगता है कि हम अपने आप को बदल सकते हैं, और कोई ऐसी चीज मुश्किल नहीं है जिसको हम नहीं कर सकते। एक वर्ड है इम्पॉसिबल, इसको डीकोड करके देखिए क्या बनता है, आई एम पॉसिबल। तो देखने की बात है, समझने की बात है, इम्पॉसिबल इज ऑल्सो आई एम पॉसिबल। जिस चीज को आप समझते हैं नहीं हो सकती, बहुत मुझे लोग मिलते हैं कहते हैं मुझे डर लग रहा है, मैंने कहा बुला ले डर को, क्या डर है मैं भी देख लूं।
सर डर को देखा तूने, महसूस किया है, तो कोई बात नहीं यार, मुझे भी महसूस करा दे डर। उसने कहा लो सर मैंने आपके तबंचा रख दिया सर पे, मार दे यार और क्या है, कल तो मरना ही है, आज मार दे, पर जब तक मेरी आई नहीं है तुम भी नहीं मार पाओगे। वो भी अपनी बंदूक को पीछे लेके खड़ा हो गया। उसने कहा बात तो आप ठीक कह रहे हो, अभी आपका वक्त नहीं है आपको मारने का। तो मेरा कहने का मतलब है ये कि बुरे आदमी को भी हम अच्छा आदमी बना सकते हैं, बट उससे लड़के नहीं। रोज हम देखते हैं दिल्ली के अंदर एक गाड़ी के साथ दूसरी गाड़ी टकरा जाती है और वो बाहर निकल के आते हैं, मैं ऐसा कर दूंगा, मैं ऐसा कर दूंगा, जानता नहीं तू कौन है, मैं कौन हूं। मैं उनको एक ही बात कहता हूं, यार मैं तो सिर्फ भगवान को जानता हूं, मैं आपको क्या जानता हूं, मैं भगवान को जानता हूं। तो क्या बता तेरे पास क्या सोल्यूशन है, आप अपने इंश्योरेंस से क्लेम ले लो यार, मैं अपनी इंश्योरेंस से क्लेम ले लूंगा। नहीं मैं नहीं लूंगा, आपसे पैसे लेके ही छोड़ूंगा। ले ले यार कितने मांगता है तू, 500 रुपए दे दो, ये ले 500 रुपए। आप सोचिए मेरी ऐसी सोच है, मेरे 500 रुपए उसने ले लिए, वो बड़ा बन गया या मैं छोटा बन गया। पर मैं ये सोचता हूं अगर किसी को 500 रुपए देके उसका गुस्सा शांत हो जाए तो यही एक सबसे बड़ी चीज है जो मैं एक समाज के अंदर अगर मैं पैदा कर पाऊं तो मैं एक अच्छे समाज की जो है एक नींव रख पाऊंगा। तो शायद मैं आपके सवाल का जवाब दे पाया हूंगा, ऐसा मैं उम्मीद करता हूं। धन्यवाद। तो प्रश्नोत्तरी का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। जिस किसी भी दर्शक का कोई और भी सवाल हो तो आप चाहे तो अपने सवाल हमें कावा के मेल आईडी पे भेज सकते हैं ताकि बाद में भी हम अपने मुख्य व्याख्याता से आपके सवालों के उत्तर हम उनसे लेकर आपको सूचित कर सकें या उनसे आपको हम डायरेक्ट वार्तालाप भी करा सकें। बिल्ली ग्राहम की एक प्रचलित कोट है, इफ वेल्थ इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट, इफ हेल्थ इज लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट, इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। हमें पूर्ण विश्वास है कि प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल द्वारा चरित्र निर्माण पर विषय पर दी गई जानकारी समस्त सीआरपीएफ तथा कावा परिवार के बच्चों और महिलाओं के लिए अत्यंत लाभप्रद सिद्ध होगी। अब मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस कार्यक्रम की कोऑर्डिनेटर श्रीमती अंजना यादव, पत्नी श्री लालचंद यादव उप महानिरीक्षक समूह संबलपुर से, कि वे अध्यक्षा कावा की तरफ से आज के मुख्य व्याख्याता को कावा की स्मृति चिन्ह भेंट कर उन्हें सम्मानित करें। ग्रुप सेंट्रल संबलपुर। थैंक यू मैम। साथ ही मैं अनुरोध करना चाहूंगा ग्रुप कैन संबलपुर के डीआईजी श्री लालचंद यादव से कि वो एसडीजी सेंट्रल जोन की तरफ से मेमेंटो देकर उनका स्वागत करें। थैंक यू सर। कार्यक्रम के अंत में मैं इस कार्यक्रम में शामिल होने हेतु पुनः आदरणीय श्रीमती संगीता सिंह मैम, अध्यक्षा कावा, सभी जोनल हेड्स, सीईसी की सभी सम्मानित सदस्याएं, उपस्थित अधिकारीगण, प्रोफेसर डॉक्टर संजीव मित्तल, सभी रीजनल कावा हेड्स, फेसबुक एवं यूट्यूब के माध्यम से प्रसारण देख रहे हैं तमाम सीआरपीएफ कार्मिक एवं उनके परिवारजनों का आभार व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम के सफल आयोजन हेतु मैं विशेष तौर पे इस कार्यक्रम की मेंटोर श्रीमती स्मिता अग्रवाल, जोनल हेड सेंट्रल जोन कावा तथा कोऑर्डिनेटर श्रीमती अंजना यादव को विशेष आभार व्यक्त करता हूं और साथ ही विशेष आभार सीआरपीएफ की टेक्निकल विंग, थर्ड सिग्नल बटालियन, ग्रुप केंद्र संबलपुर को भी, जिनके सहयोग से पूरे कार्यक्रम का प्रसारण सुचारू रूप से हो सका। अंत में आज के कार्यक्रम के व्याख्याता द्वारा अपना कीमती समय निकालकर अपने अनुभव हम सभी से साझा करने के लिए तथा बहुमूल्य जानकारी हमें प्रदान करने के लिए आपका बहुत ही आभार एवं धन्यवाद। अंत में कावा परिवार आप सभी के लिए स्वस्थ एवं सुरक्षित रहने की कामना करता है। पुनः आभार एवं शुक्रिया। इसी के साथ आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद।